हे मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन। मेरे टूटे पिसे मन को चंगा कर। मेरे आंसू की शुद्धि ले। इन परीक्षाओं की घड़ियों में प्रभु मुझे संभाल। कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं टूट और बिखर ना जाऊं। मुझे बिखरने और टूटने से पहले संभाल ले। मेरे आंसू की शुद्धि ले। मेरी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र मंदिर में पहुंचे और उनको तू सुन, उन पर ध्यान लगा। हाँ, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई। मेरे विचारों से, मेरे शब्दों से, मेरे कामों से, मेरे व्यवहारों से, मेरी सोचों से मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। मैंने तेरे वचन के विरुद्ध पाप किया, जानबूझकर पाप किया। अनजाने में मुझसे गलतियाँ हुई। जो मैं नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है, जो मैं चाहता वो मुझसे नहीं हो पाता। मैं तेरे साथ भी नहीं बैठा, तेरे साथ वाचाओं को बांध कर। मैं ईमानदार नहीं रहा, वफादार नहीं रहा। प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा कर। अपने लहू से मुझे धो दे और शुद्ध कर। मेरी घटियों को भरपूरी बदल। मेरे नुकसानों की भरपाई कर। मेरी जरूरतों को पूरा कर। अपना हाथ बढ़ा, चुप ना बैठ। मेरे टूटे पिसे मन को चंगा कर। मेरे आंसू की शुद्धि ले। खुदावन, मैं तुझसे विनती करता हूँ। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। मेरी दशा को देख जो बिगड़ती जाती थी। मेरे विरोधियों को देख जो मुझ पर उंगली उठाते। मेरी परिस्थितियों को देख जो मुझ पर हावी होती। मेरी घटियों को देख कि मुझे सोचना पड़ता है। प्रभु, मुझ पर दया कर। तू नहीं पुकारेगा, तू मुझे नहीं सुनेगा। प्रभु, तू कौन सुनेगा? तू मुझे नहीं बोलेगा, तू कौन बोलेगा? तू मुझे सहारा नहीं देगा, तू मुझे नहीं पुकारेगा। बेटा बोलकर, बेटी बोलकर तू कौन पुकारेगा? तू मुझे क्षमा नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू दया नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू अनुग्रह नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू छुटकारा नहीं देगा तो कौन देगा? तू नहीं छुड़ाएगा तो कौन छुड़ाएगा? तू नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? तू आशीष नहीं देगा तो कौन देगा? तू दया नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं तेरे पास नहीं आऊँगा तो किसके पास आऊँगा? मेरे सारे दरवाजे बंद हुए, मेरी उम्मीद फीकी पड़ गई। मेरे टूटे पिसे मन को चंगा कर। जो मेरे सपने सजाए हैं वो कहीं ना कहीं धुंधले पड़ते जा रहे हैं। प्रभु, मुझे छुड़ाने और मुझे बचाने के लिए फुर्ती कर, विलंब ना कर। प्रभु, शत्रु को मुझ पर जय जयकार करने ना दे। मेरी परिस्थितियों में मुझे हियाब दे, मुझे गिरने से बचा ले, मुझे संभाल। तू नहीं तो काहे? तू मुझे छुड़ाएगा, उठाएगा, बचाएगा, क्षमा करेगा, दया करेगा, अनुग्रह करेगा। मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा। अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हे इसराइल के पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू दया कर। तूने कहा संकट कैसे मैं मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरी जरूरतों को पूरा कर। मेरे रास्तों को खोल। मेरे विरोधियों के मुंह को बंद कर। मेरे रास्तों को खोल खुदावन। देख, चारों तरफ से मेरे द्वार बंद हो चुके हैं। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। सबने मेरे विरोध में झूठी बात गढ़ी है, मेरे विरोध में उंगलियां उठाते हैं। अपनों ने सताया, अपनों ने छोड़ा, अपने छोड़कर चले गए, अपनों ने दिल दुखाया। लेकिन खुदा, तुझे जानने के बाद भी क्या ये सब कुछ मुझे सहना होगा? यदि तेरी इच्छा यही है तो तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में हो, लेकिन मुझे कमजोर ना पड़ने दे। जो तू मुझे सिखाना चाहता है सिखा। मैं जानता हूँ ये मेरी परीक्षा की घड़ी है। धन को लेकर, इज्जत मान सम्मान को लेकर, प्यार को लेकर, सपोर्ट को लेकर मैंने बहुत सी चीज़ों में अपने आप को अकेला देखा, अकेला पाया है। मैंने बिछोने आंसुओं से भीगे हैं। मेरे तकियों पर आंसुओं से तेरा नाम लिखा गया है। खुदावन, मुझ पर दया कर। मेरे आंसुओं की शुद्धि ले। प्रभु, मेरी सिसकियाँ तेरे कानों तक पहुँचे तो अपने स्वर्ग को झुका कर उतरा, क्योंकि दाऊद के साथ तो नया ऐसा ही किया। अब्राहम के परमेश्वर, मेरी शुद्धि ले। मेरी प्रार्थना तेरे सामने घृणित ना होने पाए। मेरे वचन को तू सुन और तू कान लगा। मेरी चिल्लाहट पर ध्यान लगा। प्रभु, तू उतर किया, क्योंकि तूने कहा है, देख मैं तेरी सुनकर स्वर्ग को झुका कर उतर आया। अब्राहम के परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं जानता हूँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं जानता हूँ मैं गिर गया, मैं जानता हूँ कि मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। लेकिन मुझे ये भी पता है, मेरी आशा जब तक है जब तक यहोवा है, मेरा विश्वास जब तक है जब तक यहोवा है, क्योंकि मुझे छुड़ाने वाला निश्चय जीवित है। मैं उसी को पुकारूंगा, मैं उसी की ओर ध्यान दूंगा, मैं उसी की ओर अपनी नज़रें लगाए रहूंगा। क्योंकि जब मैंने उसकी ओर ताका है, उसने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। अगर शर्मिंदा हुआ भी तो वो मेरे लिए भला हुआ, ताकि मैं तेरी विधियों को जांच और जान सकूं, मैं उनको पकड़े रहूं। प्रभु, उन विरोध के लिए धन्यवाद, उन विरोधियों के लिए धन्यवाद, उस सताव के लिए धन्यवाद जिसके कारण मैं तेरे पास आया, उस घटी के लिए धन्यवाद खुदावन जिसके कारण मैंने तेरी ओर ताकना सीखा, उन रुकावटों के लिए धन्यवाद खुदावन जिसके कारण मैंने संयम को अपनी ज़िंदगी में काम करने दिया, उन विरोधों के लिए धन्यवाद जिसके कारण मैं तेरे निकट आया, उन कलेशों के लिए धन्यवाद जिसमें तूने मुझे सहना सिखाया।
उन विपत्तियों के लिए धन्यवाद जिसमें मैंने तेरी महिमा को देखा खुदावन। मैं जानता हूँ शैतान ने एक बीज समझकर जमीन में गाड़ने की तो कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानता था कि प्रभु तूने मुझे फलवंत किया है। और वो बीज जिसको उसने दबाने की कोशिश करी, वो बीज वो गहराई में जाकर एक बड़ा, जब फलवंत हुआ, जब फूट निकला तो बड़ा पेड़ बन गया। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, तू दया कर, कृपा कर। तू क्षमा नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू दया नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? तू नहीं छुड़ाएगा तो कौन छुड़ाएगा? तू ही है बस, तुझको पुकारता। मेरे अकेलेपन को दूर कर, मेरी शुद्धि ले, मेरी जिंदगी की परेशानियों को, घटियों को, तकलीफों को दूर कर, मेरे अंदर की अभिलाषाओं को दूर कर। हर वो टिड्डियाँ, हर वो लोमड़ियाँ, हर वो बुराई, हर वो खमीर जो तुझे मेरी जिंदगी में पसंद नहीं आता, जो मुझे तुझसे दूर करता है, हे पिता मेरे अंदर से दूर कर, मुझे आज़ाद कर और छुड़ा ले। तेरे लहू से मुझे धो दे, मुझे अंदर से साफ कर और मुझ में समा और मेरी अगुवाई कर। यदि तू मेरे आगे ना चले तो मुझे आगे ना ले चल, तूने मुझे चुना है। प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, आगे भी तू ही बढ़ाएगा। तूने मुझे बुलाया है तो संभालेगा भी तू ही, मुझसे तो कुछ नहीं बन पड़ा। मैं तो लड़का सा ही हूँ, मुझे तो बोलने भी नहीं आता, मुझे तो प्रार्थना भी अच्छे से नहीं आती। प्रभु मैं किस समय पर क्या करूँ, मेरी बुद्धि नहीं चलती, मुझे अनुग्रह दे। अपनी आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर, जहाँ मेरे विरोधी हैं प्रभु उनके मुँह से सिर्फ तेरी महिमा हो, मेरी निंदा होने ना पाए। जहाँ मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट कर, अपनी चाक पर रख, तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में कर, जो तू चाहता है मेरी जिंदगी में होने दे। लेकिन मुझे टूटने और बिखरने से पहले संभाल ले। यदि तू चाहता है तोड़ना, यदि तूने मेरी जिंदगी में किसी विरोधी को रखा है, यदि तू चाहता है उन लोगों को मेरी जिंदगी में रखना जिसके कारण मुझे सताव होता है, कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन मुझे ही आप दे। मैं जानता हूँ क्योंकि तूने कहा है मैं तुझे परख कर जान लूँ कि तेरे मन में क्या है। मैं जानता हूँ तू मेरे मनों को जांच रहा है इस समय, कि जब कोई मुझे सताता है, जब मेरी जिंदगी में घटिया दुख या प्रॉब्लम होती है, परेशानियाँ होती हैं, तो उस समय मेरा व्यवहार तेरे साथ कैसा होता है। मैं जानता हूँ तू मुझे जांच रहा है, लेकिन प्रभु मैं तेरी जांच में खरा निकलूँ, ऐसा मुझ पर अनुग्रह कर। इन परीक्षाओं में मैं सिद्ध और स्थिर बना रहा हूँ, मुझ पर ऐसी दया कर खुदा, मुझे खुद बना, खुद चला। मेरे टूटे पिसे मन को चंगा कर, मेरे आंसू की शुद्धि ले खुदावन। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। तेरे सिवा कोई नहीं संभाल सकता, तू ही मुझे खुश करना जानता है, तू ही मुझे क्षमा देना जानता है, तू ही मुझे सीने से लगाना जानता है। तुझे ही पता है कि मुझे कब क्या, किस तरीके से, कैसे क्या चाहिए, और तू ही जानता है कि प्रभु मेरे मायूस चेहरे पर खुशी कैसे आती है। और क्योंकि तुझे ही पता है मेरी खुशी का राज, और तू ही मुझे मुस्कुराने का अनुग्रह देता है, तू ही मुझे जयवंत करता है। प्रभु इन दिनों ऐसा लगता है कि पता नहीं शांति कहीं खो गई, बहुत लंबा समय हो गया दिल खोल कर मैं नहीं हंसा, लेकिन प्रभु तू सब जानता है। अपनी शांति को मुझ पर उठेल, अपने अनुग्रह को मुझ पर भरपूरी से भरसा। मेरी कमजोरी में अपनी सामर्थ को सिद्ध कर, मुझसे तो कुछ बन ही नहीं पड़ा। हाँ मैंने वो किया प्रभु जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तेरे दास, तेरे सेवक, तेरे परिवार, तेरे लोग, तेरी कलीसिया, अपने पड़ोसियों के प्रति मैं प्रेम में वफादार नहीं रहा, विश्वासियों के नहीं रहा। मैंने उंगलियां उठाई, दोष लगाए, बुराइयां की, कमियां निकाली, ठट्टा किया, अनादर किया, तेरे साथ वफादार नहीं रहा, विश्वासियों के नहीं रहा। हाँ प्रभु लेकिन तू मुझे धो दे, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, तो मैं श्वेत हो जाऊंगा। मेरे अंदर अपना मन दे, शैतान मेरे मन में गलत विचार डालने ना पाए, और मेरे मुंह से कोई कुटिलता की बात ना निकले जिससे कि तेरा दिल दुखे। क्या मेरा जीवन तेरे ग्रहणियों के है, हे अब्राहम के परमेश्वर? चुप ना बैठ, मेरी सुन। हाँ मैं बदलना चाहता हूँ, मैं पाप नहीं करना चाहता, मैं गलत व्यवहार नहीं करना चाहता, मुझे बदल दे प्रभु, मेरे अकेलेपन को दूर कर। तू ही मुझे छुड़ा सकता है, मैं तेरी ओर ताकता हूँ। सब जगह से मुझे धोखा, आंसू और तकलीफ और प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ मिली हैं, सताव मिला है। कोई मेरी शुद्धि नहीं लेता तेरे सिवा, कोई मेरी नहीं सुनता, सब बोल कर निकल जाते, कोई मेरे दिल को नहीं जांचता, नहीं समझता। सिर्फ वो तू है जो मुझे जांचता, परखता और समझता है प्रभु, क्योंकि तूने कहा है कि तू धर्मी की दुहाई पर कान लगाता है। मेरे आंसू प्रार्थनाओं के समान खुदावन, तेरे नथनों में सुगंधित धूप के समान तेरे ग्रहणियों के ठहरे। मैं जानता हूँ मैं तेरे ग्रहण योग्य नहीं हूँ, लेकिन मेरी आशा तुझ पर है। इतना मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, उससे तो कुछ बन ही नहीं पड़ा। आज जो भी मैं हूँ तेरी दया से हूँ। हाँ मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो मेरे पास है, जो तूने दिया, अच्छे माता पिता, अच्छी फैमिली, अच्छे लोग, अच्छे घराना, अच्छा तन मन धन, मैं मर मिट नहीं गया, मैं कब्र में नहीं गया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हर एक चीज़ जो तू मेरी ज़िंदगी में होने देता है, मैं जानता हूँ वो सब कुछ तेरे नियंत्रण में है, कुछ भी तेरी योजनाओं से अलग हटकर नहीं है।
ये सताव भी, ये घटी भी, ये रुकावट भी, ये गड़बड़ियाँ भी, ये विरोध भी प्रभु, ये मेरा टूटा हुआ सामान भी, क्योंकि तू मुझे जो सिखा रहा है प्रभु वो मेरे लिए भला है, ताकि मैं आगे चलकर सभी के लिए, तेरे लोगों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनूं, ताकि मेरी गवाहियों के द्वारा लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े काम हो और उनके आंसू पोंछ जाए, वो तुझ में विश्वास करे, उद्धार पाए, अनंत काल का जीवन पाए। इसलिए तू मुझे दबा रहा है ताकि मेरे अंदर से खोट निकले। मैं जानता हूँ तूने फिरौन के मन को कठोर किया मेरी जिंदगी में, जिन भी लोगों को तूने फिरौन के समान खड़ा किया है खुदावंद, प्रभु मुझे ऐसा अनुग्रह दे कि मैं तेरे प्रेम को सदा प्रकट करूं, मैं चांटे के बदले चांटे, गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई ना करूं, मुझ पर अनुग्रह कर, मैं तुझसे विनती करता हूं। मेरे होठों को पवित्र कर, मेरे ख्यालों को पवित्र कर, मेरी सोच को पवित्र कर, मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना, प्रेम करना, दया करना, क्षमा करना। पौलुस के समान मैं नहीं मरा प्रभु, दाऊद के समान मैं तेरी स्तुति नहीं करी प्रभु, एलिया के समान मैं तेरे सामने खड़ा नहीं होता प्रभु, यीशु के समान प्रभु मैं दूसरों को माफ नहीं कर पाता, अब्राहम के समान मेरा विश्वास नहीं है प्रभु परमेश्वर, दानिय्येल के समान मैं तेरे साथ नहीं बैठता, हबक्कूक के समान मैं तेरे पास नहीं आता प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, लेकिन सब कुछ नया कर दे। हाँ मैं गिर गया था, तूने कहा धर्मी चाहे सात बार गिरे नबी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। मैं तेरी ओर ताकता हूँ और तूने कहा है जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उनके मुँह कभी काले नहीं हुए और वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। हे अब्राहम के परमेश्वर, हे इसराइल के परमेश्वर, हे यहोवा, हे पिता, मेरी सुन और मुझे उत्तर दे, मेरा हाथ पकड़ और मुझे थाम ले, मुझे गिरने ना दे, मुझे टूटने बिखरने से पहले संभाल ले, मुझसे नहीं बन पड़ा, मुझसे नहीं सहा जाता। यदि तेरी इच्छा है कि मैं इस घड़ी को पहुंचूं, तो मुझे हियाब और अनुग्रह दे, मुझे संभालने का अनुग्रह दे। पवित्र आत्मा आप मुझे हियाब दीजिए, वो महिमा का आत्मा मुझ पर छाया करे, ताकि मेरी अगुवाई हो, ताकि मेरे मुंह से कोई कुटिलता की बात ना निकले, ताकि मेरा कोई गलत चुनाव ना हो, ऐसे विचार जो मृत्यु के प्रति है, ऐसे विचार जो मुझे गिराने के प्रति है प्रभु, जो शैतानी मेरी जिंदगी से दूर हो, तू शत्रु के जबड़े पर मार, उन अशुद्ध आत्माओं को अपने क्रोध को उन अशुद्ध आत्माओं पर भड़का प्रभु, उन अशुद्ध आत्माओं को हम मेरी जिंदगी से दूर कर, मुझे छुड़ा और मुझे साथ कर। मैं तेरा ही शरणा का तू, मैं तुझी को पुकारूंगा, तू ही मेरे लिए सब कुछ है पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने अपना दुख तुझे बताने की कोशिश करी, पर जो कुछ भी नहीं बताया नहीं कहा वो सब तू जानता है, वो सब कुछ तू जानता है, लेकिन तू भी अपने दिल की बात मुझसे शेयर करना, मुझे नौकरे देना कि मैं तेरी सुनूं और समझूं। आई लव यू सो मच। मैंने तो अपना दुख तेरे को बताने की कोशिश की, लेकिन तेरा तो कोई नहीं जानता, मैं ये भी जानता हूँ प्रभु, मुझे तेरे जैसा दिल दे दे, मुझे तेरा दिल दे दे प्रभु, मुझे तेरा दिल दे दे, ताकि उस प्रेम में परिपूर्ण होते जाऊँ। मेरे अंदर प्यार की कमी है, उस प्रेम को मैं नहीं प्रकट कर पाता पिता, कहीं भी नहीं प्रकट कर पाता। मेरे चुनाव गलत हुए, मेरे व्यवहार गलत हुए, मैं तेरे साथ संगति में नहीं बैठा, मैंने बहाना दिया, मुझ पर अनुग्रह कर, मैं फिर से नया होता हूँ, तो मेरी मदद कर, मैं जैसा भी हूँ मुझे छुड़ा ले, मुझ पर दया कर। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे छुआ है, तो मेरे साथ में है, तो मुझे छू रहा है, तेरा अभिषेक मुझ पर है, तेरा हाथ मुझ पर है, अब तो मुझे गले लगा ले, अकेले पर को दूर कर, मैं नहीं चल पा रहा पवित्रता में, मेरे हाथ को थाम और तू मुझे ले चल, ले चल, ले चल, ले चल।